सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल अपना दल कमेरा के विधायिका पल्लवी पटेल विधानसभा पर बड़ी संख्या में किसानों के साथ विधानसभा पहुंची। उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस की ट्रांसपोर्ट नगर और आवास योजना के निर्माण के नाम पर किसानों की जमीन का अवैध भूमि अधिग्रहण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजराती मंडली और बनारस के कमिश्नर जबरन भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। पल्लवी पटेल बोली कि अनैतिक तरीके से 11 किसानों को गिरफ्तार किया गया है, अगर 48 घंटे के अंदर किसानों को नहीं छोड़ा गया तो प्रदेश भर के किसान सड़क पर उतर के भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस मामले को लेकर प्राइम टीवी से खास बातचीत में विधायिका पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अपना दल के की नेत्री पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं। मैम, आज आपके द्वारा विधानसभा पे प्रदर्शन किया गया है, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, किस मामले को लेकर आज आप प्रदर्शनरत रही हैं? देखिए, बनारस के किसान, वहाँ के स्थानीय लोग आज हमारे साथ विधान भवन पे थे और इसलिए थे क्योंकि वो एक मात्र इमारत नहीं है बल्कि प्रतीक है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की शक्ति और सत्ता का प्रतीक है वो, और जो शक्ति है वो इन्हीं लोगों में निहित भी है। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता उसके धन साधन संपदा, उसकी उन्नति, उसके अवसरों को षड्यंत्र के तहत लूटने का कुचक्र किया जा रहा है और इंतहा तब हो जाती है जब आज बनारस में स्थिति पैदा हो गई है कि वहाँ पर ये गुजराती गिरोह बैठा है और अपने एजेंट के रूप में वहाँ पर कमिश्नर को बैठा रखा है, जो वहाँ पर बिना किसी बात के वहाँ के लोगों को घरों से खींच खींच करके मार रहा है, बिना किसी आपराधिक बैकग्राउंड के जेलों में ठूसने का काम कर रहा है। वहाँ के सम्मानित जन जो हैं उनके साथ बदतमीजी की गई और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ की जो किसानों का सम्मान और स्वाभिमान है, ज़मीन, उसको हड़पने का कुचक्र चल रहा है। तो आज हम विधान भवन के सामने आए थे कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो उसके मुखिया हैं उनके कानों तक ये बात पहुँचा पाएँ कि हर समाज ने आपको वोट दिया है, उसके बाद ही यही 25 करोड़ लोगों ने आपका साथ दिया था, तब आप सरकार बना करके आपकी सरकार सदन में पहुँची है, तो आप उनके स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। परिस्थिति कोई भी हो, आपको उनके सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी उनको देनी होगी। इस मामले को लेकर आज आप प्रदर्शनरत की रही हैं, आपके साथ हजारों की संख्या में आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, अगर आपकी बात को नहीं सुनी जाती है और जिस मामले को लेकर आज आप बात कर रही थी उस पर किसी जिम्मेदार अगर नजर नहीं डालते हैं तो आप किस तरह का आगे का अपना कार्यशैली रखेंगी? देखिए, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे के आए हैं कि आप 48 घंटे के अंदर जो 11 किसान आपने संगीन धाराओं को लगा करके उनको जेल में डाला है, उनको बिना किसी शर्त के रिहा करिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ना सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल का किसान का मेरा सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और बीजेपी को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत दिन नहीं बीते हैं, कर्नाटका में आपने ऐसे ही स्थानीय नंदिनी को कब्जा करने का, हड़पने का प्लान किया था और वहाँ की जनता ने आपको उस बॉर्डर से बाहर फेंकने का काम कर दिया है। अगर बात की जाए तो कल 2000 के नोट को बैन किया गया है, जहां एक तरफ सरकार अपना पीठ थपथपा रही है इस मामले को लेकर और कह रही है कि कहीं ना कहीं इस पर भ्रष्टाचार पर रोक होगा, आप क्या सोचती हैं नोटबंदी को लेकर 2000 के? देखिए, आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि नोटबंदी से बहुत अहम है इस प्रदेश के जो किसान, जो सड़कों से, जो खेत खलिहानों से जुड़े हैं उनकी बात की जाए। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ आप लोगों से एक भावात्मक मेरी अपील है कि आप अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने लोगों के साथ खड़े होकर के बिल्कुल भी ये जो गुजराती गिरोह है इससे बिना डरते हुए हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। अगर बात की जाए मैम तो आप अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव से लगातार सुर्खियों में हैं, आप अगर बात की जाए तो आपके पिता और अपना दल के कहीं ना कहीं बड़े नेता सुनीराल जी की जयंती पर भी आप एक उग्र रूप ली थी, आज एक बार फिर विधानसभा पे आप कहीं ना कहीं प्रदर्शन की हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं, 2024 को लेकर आपकी पार्टी अपना दल के का क्या स्थिति है और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, अपना दल अपनी स्थापना से आज तक कभी चुनाव के लिए चिंतित नहीं रहा है, वो चिंतित रहा है लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों के साथ हो रहे अन्याय के लिए। हमने लगातार वो आवाज़ उठाई है सड़कों पे और आज इसी जनता ने हमें मौका दिया है सदन में आवाज़ उठाने का, तो जब तक हिम्मत है, जब तक जाँ में जाँ है, ये लोगों की बात सदन और सदन के बाहर हम लगातार उठाते रहेंगे।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अपना दल के की विधायिका पल्लवी पटेल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले को लेकर आज हम प्रदर्शनरत रहे हैं, उस पर जिम्मेदार आंखें खोलकर और इस मामले को कहीं ना कहीं हल निकालें, और साथ ही अपना दल को विस्तार को लेकर और 2024 को लेकर इन्होंने बखूबी अपनी पूरी जानकारी साझा की। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो किसानों के समर्थन में उतरी विधायिका पल्लवी पटेल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई या कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के सारे किसान मोर्चा खोलते हुए यूपी की सड़कों पर नजर आएंगे। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।